करो बच्चों को। कुछ भी नहीं, किताबा खोल के भी उसके जवाब लिख सकते, दुनिया का आसान टेस्ट है। बच्चे पूरे पास हो गए अपने सिविल के, कही है बैंगन के पास हो तेरे भाई, एमजीएम कॉलेज के सर आए अपने। आओ, बच्चे भी एमजीएम के थे। सोम का टेस्ट ले तू बोल के टॉम के किताब दे दी सर। ऐसा कैसा टॉम की किताब दे रहे बोलते, उन्होंने बोले मैकेनिकल सिविल एक एक है। और सिविल की एक और के खास बात है, अभी रिसेंट हुए हैं तो नए किस्से पूरे सिविल में झोरे बोले आजकल। हर चीज सिविल में क्या है सुनाओ। इनको ट्रिप को लेकर गए, हमने तो खाली प्रोस्पेक्टस में देखे थे कि ट्रिप को लेके आते हैं करते बोल के, हमारे बाबा इसका से एडमिशन दिलाए वहां पे। आपको क्या है कि चार साल हो गए हम यहाँ पे तुपे तक भी नहीं गए। गलती होगी तुम्हारे बाबा से, दिखावे पे नहीं जाना, अपनी अकल लगाना, स्ट्राइक पे ना बोल। तो ट्रिप में क्या खास बात थी, कहाँ लेके थे इनको? ट्रिप को लेके गए शिमला। शिमला बेहतरीन ठंडे मुकाम है, देखो आखिरी ठंडा मुकाम है शिमला पे लेके चले गए। तो बच्चे और सारा क्या करे वहां जाके? कुछ भी नहीं, पहले तो कैसा साल भर मेहनत कराए बच्चों से, और कड़ी धूप में गर्म हो गए थे बेचारे बच्चे। हाँ, दुनिया के गर्म हो गए। सबसे अच्छा रिजल्ट सिविल डिपार्टमेंट का रहता। हाँ, सब कुछ मालूम है। पूरे धूप में कड़ी मेहनत कराने के बाद क्या करें, इनको ठंडा करना बोल के, गर्म हो तो गए ठंडा करना बोल के शिमला को लेके चले गए। हाँ, क्या करे जाके वहाँ पे? और वो शिमला पे जैसे ही गए सरों को भी बचपना छोड़ो। तो क्या करे वहाँ? सरा बच्चे दोनों मिलके एंजॉय कर लिए। बच्चे क्या करे बोलते, साल भर का बदला निकालने का था बल्कि ऐसे बर्फ का ऐसे बड़े बड़े गोले बना के फेंके मार। हाँ, एमजीएम कॉलेज के बच्चे मौका मिला के दे दे रखे। अरे सरों को मारे तो मारे रे भाई बेचारे, वो मैडम क्या करे, मैडम को ही मारे। मैडम को भी मार दिए बेचारे, मैडम को जो बर्फ का गोला लगा बेचारे आज भी पड़े आगे बिस्तर। ये सब छोड़, ये मशीनों का सुना उसका क्या चल रहा था? अरे क्या रे, डबल मीनिंग बताऊंगा रहा हूँ, मशीनों के बारे में पूछ रहा रे। अरे मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ भाई। अच्छा, ये मशीनों के बारे में तो सुना उस तक। क्या रे, डबल मीनिंग बताऊंगा रहा हूँ, मशीना क्या है रे स्टेज पे? अरे नहीं भाई, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में पूछा देखो भाई। सबको टाइम दे, तुम जरा 5 मिनट हो जाए तो पूरा टाइम तुम्हारा ही है। अगर बात न तो अगर खामोशी सुना दे। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में ऐसा सोच लू तो ये बच्चों का पूरा फ्यूचर मेरे को सर डार्क अंधेरा दिख रहा। क्यों भाई, अपने के बच्चे तो दुनिया के मेहनती बच्चे, 10-10 घंटे दिनों पे उनका पूरा पिस्टन पावर अंधेरे में दिख रहा। क्या तो भी हो गया भाई। ऑडियंस है ना, इनका पूरा पिस्टन पावर अंधेरे में दिख रहा। मैं ऐसा क्या तो हो गया उनके साथ, अंधेरा क्यों दिख रहा पूरा दिन? 25 साल पहले एक नई लैब खोले थे, कैट कैम लैब बोल के। तो क्या होगा उसको? 25 साल से इतना बड़ा ताला लगाया वाला है। और लैब और फिर बाकी के लैब की? कुछ भी नहीं, वो लैब में किसी को जाने ही नहीं देते अंदर, कैट कैम के लैब में। तो क्या बच्चे क्या करते हैं, जान दो भाई अपन एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा दूसरे मशीनों पे काम कर लेंगे बोल के दूसरे लैब में जाते। हाँ, तो क्या हो रहा वहाँ पे? वहाँ जाने के बाद वहाँ इतना बड़ा बैनर लगाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है नोटिस में? दिस मशीन इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन सो यू कांट परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑन दिस मशीन बोल। अरे सही बोल जाते, बेचारे बच्चों का फ्यूचर एकदम अंधेरे में है। और उसके बाद क्या बोलते, पीछे के दरवाजे से हलू सिग्नेचर मार के चल जाओ। और क्या प्रॉब्लम चल रही है मैकेनिकल में? दुनिया का बड़ा डिपार्टमेंट है मैकेनिकल का, इतना बड़ा डिपार्टमेंट। हाँ, दो इसकी क्लास है मगर तुम्हारे पास शुरू होते ही खत्म हो जाते। उसमें क्या है बोलते, 1912 में जब कॉलेज बना था तो उस टाइम पे बेंच आने वाले हैं वहाँ पे। हाँ, फर्स्ट ईयर के बच्चों ने वो कारपेंटरी की जॉब में बनाए थे। खाली एक क्लास में 25 बेंचा रखे वाले और 400-500 बच्चे बैठते उसके ऊपर। बैठने को भी जगह नहीं है, कब कुर्सियां टूट जाती कि कब बेंचा टूट जाती कि बोल के बोलते बच्चे।
अच्छा जान देते हो, एक सवाल कर दूंगे। क्या कर? तू कॉलेज में आया तो पानी कहाँ पीता? मैं ये अपने जन्नत में पीता हूँ, बड़े नदी पे पीता हूँ पानी जाएगी। हम तो तुम खाली गर्म पानी पीते, हम ऑरेंज जूस पीते। ऑरेंज जूस पीता? हाँ तो भी पीता तो ऑरेंज जूस। ये कूलर लगे हुए थे क्या मैकेनिकल में? ये वहाँ पे दुनिया का ठंडा ऑरेंज जूस सारा। अरे वो ऑरेंज जूस नहीं है, होले जंग लगे वाला पानी आ रहा है। अच्छा ये सब तू दो डिपार्टमेंट का बोल दिया, पर आपने जन्नत के बारे में तो बोल उस्ताद। मालूम था आई गई की तेरी गुंडी जन्नत पे चटकती बोली। अब क्या करेंगे? पहले का ऐसा कुछ भी मजा नहीं रहा आपसी एससी। क्यों? ओएमएस बच्चे ही नहीं। फिर क्या है वहाँ पे? अब ओएमएस बच्चे आ रहे थे, उनसे फ्रेंडशिप जल्दी हो जाती थी, गाड़ी पे बैठ के उनके पिक्चर अक्चर हर चीज फार्म हो जाती थी एकदम। अरे फिर आप कौन है वहाँ पे? अभी ऐसे काकंडी तुप्पे नेरली नरसी नायगांव के बच्चे आके बसेरा कर लिए। मजा नहीं आ रहा वहाँ पे। वहाँ पे ये पूरे अपने काकंडी तुप्पा नरसी नायगांव निर्ली के बुरी लग के माला आगे बढ़ गया है, मजा ही नहीं आ रहा। फिर माना बच्चे कुछ तो मेहनत कर रहे थे, मैं छोड़ते नहीं बच्चे अपने एग्जाम के बाद टैलेंटेड बच्चे पीछे वाले। अब तू पीछे बच्चों की बात कर ही दिया तो उनका एक किस्सा सुना मुझे। सुना भी क्या है तू? मैकेनिकल सिविल के बहुत मासूम बच्चे रहते। हाँ बहुत मासूम बच्चे। उन्होंने क्या करे, परसों सीएससी में जाके बोले हमको आपसे बात करने का है। बोले ऐसा बोलिए? तो उन्होंने बोले सॉरी आई एम ऑलरेडी इंगेज बोल के बोले। बच्चे छोड़ते नहीं अपने। अब वो बच्चे इतना सुन के परेशान हो गए, हमारा वैसा कहाँ घट दिल है ये बच्चों का। फिर क्या हुआ फिर? फिर हम बोले चलो अपन तो भी ट्राई करेंगे, बल्कि सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक रोना बंद अल्लाह बोले। तो तुमने पूरी मेहनत कर ली? बोलो क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला उसका? पूरी मेहनत कर ली थी, एक बच्ची को जाके बोला हेलो एक्सक्यूज मी क्या आप हमारी फ्रेंडशिप कबूल करते क्या? कुछ तो क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोले चीचा तुम हमारे बाबा के क्लासमेट है, तुम्हें कुछ शर्म तो भी आ रही है हमारे से दोस्ती करने के वास्ते? बोले 10 साल एक क्लास में रहेंगे तो ऐसे छूंगा, कोई भी आगे चिच्चा मामू सा बना के चल जाते थे। अब वो बोली तो बोली थी उस्ताद, अकेले में बोलना था, 10 लोगों के सामने घस दी ना उस्ताद बच्चे। अच्छा जैसे इंडिया को लगे श्रीलंका है, सीएससी को लगे आईडी है, आईडी में क्या चला नया पुराना सुना उस्ताद? आईटी के बारे में कुछ भी ना पूछ। क्यों क्या हुआ? आईटी बोल तो 14,000 रुपए का जो डिपार्टमेंट है ना, आबादी वाले कॉलेज वाले, वो दूसरा डिपार्टमेंट अपने कॉलेज में आईटी है। तो नई बात क्या होगी उसमें? और उसमें नई बात ऐसा हुई, वहाँ के जो बड़े सर है ना, दुनिया के सख्त सर, एक आखिरी सख्त कड़क हूँ। क्या कर दिया उन्होंने? बच्चों को बोल दिए गैदरिंग एंजॉय नहीं करना बोले। अरे फिर क्या बोले सर ने? अरे हर पॉइंट को डबल डबल बोले तो बाकी के लोग क्या करेंगे, पहले ही अपनी गैदरिंग 12 बजे खत्म हो जा रही। सुबह सुबह तक चलती थी, बड़े मैडम जो असली वाले जो बड़े मैडम है ना, उन्होंने हर बार फुल एंटरटेनमेंट कराते थे, सुबह तक पूरे प्रोग्राम लेते थे, अब 12 बजे ही खत्म हो जा रहा, तो जरा बोलने तो क्या है, सो पीछे के बच्चों को भी मजे ले दो। अच्छा तो सर बोले क्या फिर? वो सर बोले गैदरिंग वैदरिंग कुछ भी नहीं रहती, एंजॉय एंजॉय कुछ भी नहीं कर लेना तुम, बोल के बच्चों को सब बोल दियो। और क्या बोले? बच्चे जाके बोले अरे सर ऐसा कहीं को बोल रहे, साल में एक बार गैदरिंग आती है, हम फाइनल ईयर के बच्चे हमको कुछ तो भी करने दो। बोले तो सर कुछ तो बोलते छोड़ते ही। सर बोले गैदरिंग वैदरिंग में एंजॉय करे तो कुछ भी नहीं मिलता, मेरे 3-3 घंटे के लेक्चर कर लो, 5 मार्क्स तो भी मिलते।
छोड़, अपनी इनोवेटिव डिपार्टमेंट के बारे में कुछ तो भी बोल दे। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। इनोवेशन और चेंजेस तो रोज की आदत होगी हमारी। हाँ, पुरानी आदत है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, हर 8 दिन में कुछ तो भी नया करते। इस बार क्या नया करें? ओ बड़े मैडम यूएस को जा रहे बोल के वहाँ के पूरे सारा मैडम मिल गए, मैडम बड़े मैडम के पास गए, कुछ तो रिक्वेस्ट लेके गए। क्या थी रिक्वेस्ट? उनको जाके बोले मैडम आप बोले सीएसवी को शीश महल बना के दिए, हमको भी कुछ तो भी बना के दो। तो मैडम ने क्या आंसर दिया उनका? तो सुन तो सच, मैडम बोले कुछ तो भी बोल दो क्या होना, स्टाफ टॉयलेट तो ऑलरेडी है बोले। फिर मैं बोले हमारा ताजमहल होना, शीश महल के वजह ताजमहल होना उनको भी। मैडम बोले ऐसा कैसा, पूरे दुनिया में एक ही ताजमहल है और पूरे एमजीएम कॉलेज में एक ही शीश महल है, दूसरा नहीं बन सकता बोले। तो इनको सबसे रूट क्या दिए? तो इन्हों जिद करें नहीं नहीं कुछ तो भी दो प्लीज प्लीज प्लीज। तो दिए क्या आखिर? बोले ठीक है जाने तुम बीबी का मकबरा ले लो। पूरे मार्बल क्या क्या है बिछा ले रहे पूरे? सब वही चालू है। अच्छा और नई क्या चीज है वहाँ पे? ये तो कंस्ट्रक्शन की बात होगी। हाँ अंदर की एक बहुत बारीक न्यूज बोलता हूँ, देखो क्या है भाई। वो वहाँ पे एक एक्सपर्ट पैनल बोल के बनाया। एक्सपर्ट पैनल वो क्या रहता? फाइनल ईयर के बच्चे जो प्रोजेक्ट करते ना। हाँ तो वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है कि तुम खरीद के लाए वो चेक करने के वास्ते सारा बैठा लिए। पैनल में कौन कौन रहते? वो पैनल में पीएचडी के एमई के सारा बैठा ले रहते, पूरे बच्चों के लाए वाले आइडियाज चुरा लेते और उनका खुद का प्रोजेक्ट कर लेते। कहीं बोल रहा उस्ताद ना इधर आए हिसाब से तो बता दो पूरा प्रेजेंटेशन हल्लू हल्लू देते देखो। हाँ वैसे ही कर तू जज्बाती हो कि पूरा हिसाब नको बता दो। अच्छा पीएचडी से मेरे को याद आया। हाँ साल में कितने मौसम रहते? 3 मौसम रहते। अरे अपने कॉलेज के सरों ने एक चौथा मौसम लाया। वो कौन सा मौसम है? वो पीएचडी का मौसम। ऐसा कैसा भाई? अपने खिलाड़ियों को अब समझ में आया अगर पीएचडी कर लिए तो मौका मिला तो अपन भी टीम के वाइस कैप्टन बन जाते बोल के बोल। ऐसा क्या? अब तेरे को एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पीएचडी सर उनका किस्सा सुनाता हूँ देख। हाँ क्या रक्षा राधा सुना देख। परसों के दिन उन्होंने क्या करे क्लास में आए। हाँ आके बोले आज सबसे हार्ड टॉपिक पढ़ा तो मैं फुल ऑफ कंसंट्रेशन सुनो बोल के बोले। अब मैकेनिकल के मासूम बच्चे सुनते बड़े बोले पूरा। सब बच्चे सो रहे थे उन्होंने ऐसा बोलते ही उठ गए। बुखार है सर एकदम। सर बहुत जबराट है। सर बोले वो दुनिया का हॉट टॉपिक पढ़ा देता हूँ बोल के स्टार्ट करे, पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद पूछे कितों को समझा? कितने बच्चे बोले? कोई भी हाथ नहीं उठाया। अरे फिर क्या करे सर? सर बोले ठीक है हॉट टॉपिक है नहीं समझ में आऊंगा मैं फिर से पढ़ाता हूँ बोल के और एक बार पढ़ा दिए। हाँ अब क्या हुआ? अब पूछे अब कितों को समझ में आया? हाँ 4 बच्चे वो हाथ उठाए सर खाली हमको समझ में आया वो। अच्छा फिर आगे? सर बोले आई वॉन्ट 100% रिजल्ट बोले। अच्छा और एक बार पढ़ाता हूँ सुनो बोले। हाँ फिर क्या हुआ? फिर पूरा पढ़ाने के बाद बोले अब कितों को समझ में आया? तो 4 बच्चे भी हाथ नीचे कर लिए। फिर ऐसा कैसा रे भाई? सर बोले अरे इतना हार्ड टॉपिक तो नहीं था रे भाई, मेरे को समझ में आएगा पढ़ाते पढ़ाते, तुमको कैसा नहीं समझ में आया? अच्छा वो अपने कॉलेज में भाई 2-4 दिन से बहुत खुश हो देख। कहीं को वो विप्रो आई थी अपने कॉलेज में? विप्रो कितने बच्चों से लट गई? इस बार बच्चों के वास्ते नहीं आई थी, ये सरों के वास्ते आई थी। सरों में सरों में अपने प्लेस हो जा रही विप्रो में? अब इससे अच्छा प्लेसमेंट क्या हो सकता, ऑलरेडी एमजीएम में है वो लोग। सबसे आराम की जॉब बोल तो एमजीएम कॉलेज की जॉब। तो विप्रो वाले आए क्यों थे अपने कॉलेज में? इससे पहले क्या हुआ कुछ बच्चे विप्रो के इंटरव्यू को गए। अच्छा तो वहाँ के HR लोग बोले बेटो तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है बोले। हाँ तुमको जो पढ़ा है उनकी गलती है।
अंदर की बात मालूम हो गई उनको। इसके वास्ते उन्होंने बोले तुमको कुछ बोल के फायदा नहीं है, पहले तुम्हारे सरों को और मैडमों को समझाना पड़ता बोल के। तो यहाँ पे आके सब कुछ सुधार दिए होंगे ना? आधे बराबर क्या करे, सबको एक क्लास में ले लिए। अच्छा, देखे हर एक के टैलेंट के हिसाब से उनको सब ग्रुप में डिवाइड करे। अच्छा, फिर क्या करे? एक इलेक्ट्रॉनिक्स के सर है, हाउ उनको अकेले को सिर्फ एक ग्रुप में डाले, जी ग्रुप में डाले, जीनियस ग्रुप में। तो उनको बोले ये ए है, हाँ उन्होंने बोले जी बराबर। फिर आगे उनको बोले ये बी है, अब फिर क्या बोले? जी बराबर। अरे ऐसा कैसा? उनको बोले ये सी डी ई एफ है, बोले हाँ, उन्होंने बोले जी बराबर है। तो इसके वास्ते उनको क्या करे, सेपरेट ग्रुप जी ग्रुप में बना के डाल दिया। एकदम टैलेंटेड है ऐसा, खाली स्लाइड लगा के बच्चों को पूरा लेक्चर पढ़ा देते। और बच्चे क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन करे तो बोलते आई एम सॉरी मैं प्रिपेयर नहीं करके आया, कल बताता हूँ। जी जी बोले तो विप्रो के सर क्या बोले मालूम? क्या बोले? आज के इतने महंगे जमाने में मारी गोल्ड और गुड्डे के जमाने में भी पार्ले जी खा रहे क्या पूछते? अच्छा, फिर वो विप्रो वाले आपको सुधार के चले गए बोले? कहेगा बैंगन का सुधार थे, मैं अपने सरों ने बिगाड़ के दी हूँ। अरे सरा बोले आज के इतने महंगे दौर में भी बिटानिया और गुड्डे के दौर में भी ये सर पार्ले जी खा रहे क्या बोले? तो विप्रो वाले सबको सुधार दिए बोले? कहेगा बैंगन का सुधार थे, अपने सरों ने बिगाड़ के बेच दिए वो लोगों। अच्छा, तू बोला था कि इस बार गैदरिंग में गाना गाने वाला है, सिंग करने वाला है बोले? अरे अच्छा याद दिलाया, मैं भी क्या करा ऑडिशन देता हूँ बोल के चलेगा। फिर सेलेक्ट हो गया बोले तू? कहेगा बैंगन का सेलेक्ट हो, 2000 बच्चे खड़े आए थे ऑडिशन के। फिर भी उतने में मैं कसा भी गया, अब वहाँ जाके देखा ऑडिशन के जो थे ना, हाँ ऑडिशन जो दे रहे थे तो फर्स्ट ईयर के हरिहरन बैठा रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या तू गाना गा के सुना लिया हूँ पूरा? हाँ, अब मैं उनके पास गया कि हम हमारा गाना शुरू कर दिए। आओ ओ यही है, ओ यही है, सेलेक्ट कर लिया बोले तू? सर बोले बैठ गए बोले, ऐसा गाना गा देगा मैं तेरे को गाने का तरीका बताता हूँ। सर ने गा के सुनाए? सर बोले अब सर कैसा गाना गाए सुन, आके सर कैसा बताए सुन। तू ही रे, तू ही रे, समझ में आ गया तेरा पूरा गाना? तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, आजा रे आजा रे। फिर तू भी सीख लिया पूरा गाना? मैं बोला सर बस अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सर के ऊपर से जा रहा, नया कुछ तो भी बताओ बोले। फिर सर क्या बताए? सर बोले खैर तेरे को दूसरा गाना गा के बता दूँ। मुझे सर आए सो जा रे, फिर सो गा तू पूरा ऐसा जबरदस्त सोया, अब आप दूसरे दिन भी उठा। अच्छा, वो टीपी हुआ था अपने कॉलेज में कोई तो भी? टीपीओ का फुल फॉर्म मालूम थे? क्या है? क्या से भी रहता टीपीओ बोलता? वो है देखो टोटल पार्टी ऑर्गेनाइजर, खाली ट्रिप को लेके आते बच्चों को। ऐसा कैसा? परसों लेके आते नागपुर को हमारे ट्रिप पे, वहाँ जैसे हम एंट्री मारे अब वो पूरे बच्चे एक जैसे ब्लेजर पहन के आते, अपने रंग बिरंगे बच्चे थे पूरे, कैसे नहीं कैसे पढ़ेंगे। ये तो तुम्हारी खासियत है, रंग बिरंगा बोलते हो एमजीएम कॉलेज। अब बोलो क्या बोले? अब इनको कहेगा हकाना यहाँ से बोले तो ठीक है, इनका सी पे एग्जाम ले लेंगे बोले। कौन सा एग्जाम लेंगे बोले? सी पे एप्टीट्यूड एग्जाम लिए। अच्छा, आधे रास्ते में सर्वर बंद कर डाले। अरे, और बोले ये बेचारे एमजीएम कॉलेज के बच्चे, मास्क समझ में नहीं आता इनको, आप यू आर नॉट सेलेक्टेड बोल दिए। ज्यादती हो गई रही है बच्चों के साथ, बच्चों के पास टाइम बहुत है पूरा नागपुर घूम के आए। ऐसी चीज करना, मौके का फायदा उठा लेना, बाद में नहीं मिलते ऐसे मौके। मगर इस बार जरा
गैदरिंग सुनी सुनी दिख रही बा। क्यों रे भाई ऐसा क्यों दिख रहा? बड़े बाजी की कमी महसूस हो रही। हाँ वो बड़े बाजी रहे तो जरा एकदम जबरदस्त गैदरिंग चलती थी। जबरदस्त गैदरिंग होती, पूरे बच्चों को एंजॉयमेंट करा देते हैं। आओ इस बार शेड्यूल कैसा होगा मालूम? कैसा होगा? 7 बजे गैदरिंग स्टार्ट होंगी, 11 बजे खत्म हो जाएंगी। अरे रे रे, पहले तो अपन रात भर एंजॉय करते थे। रात भर एंजॉय करते थे, तीसरे दिन का शेड्यूल कैसा है? 7 बजे से शुरू हो जाएंगे और 12-1 बजे खत्म। अरे अब पूरे बच्चे खुश हो गए, 1 बजे से 6 बजे तक जाम सेशन रहता, फुल एंजॉय करेंगे। अच्छा वो मैडम क्या बोले, जाम सेशन वो कुछ भी नहीं है, एंजॉयमेंट कुछ भी नहीं करना। वेरी नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है, जाके घर पे पढ़ते बैठना। बोले गैदरिंग में भी पढ़ने का वादा कर रहा है भी। ये फर्क है बड़े मैडम में और छोटे मैडम में। वो सब बात छोड़, वो अपने कॉलेज में फैशन शो भी होता कभी? फैशन शो तो दुनिया का बम्बा जबराट होता अपने पास। ऐसा इस बार क्या बात है को मालूम? नई बात होगी फैशन शो में, बच्चों के नए फैशन शो तो हुए। फैशन शो का और वो जो रहते ही नहीं, क्या ऑर्गेनाइजर नहीं मिला, जो बैठ के देखते कौन कैसा। सेलेक्टर की बात कर रहे हैं? सेलेक्टर की बात कर रहा हूँ। कौन थे मालूम? कौन थे? मैकेनिकल के सिंगम सर। ऐसा नई बात क्या थी उसके अंदर? नए सिंगम सर है उन्हों, वो अपने शिरबुल पांडे नहीं है, दबंग सर, उनके कैबिन में जबरदस्ती घुस के बैठ कर मेरे को भी हिस्सा देना पड़ता थी। गूगल तो उनके खास बात क्या है? उनकी खास बात ऐसी है कि उन्हों सब बच्चों को बोले ऑडिशन देने आ रहे तो यूनिफॉर्म में आना होगा। हर जगह और यूनिफॉर्म ही चेक करते, लेक्चर में भी बोलते अरे तू यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आया। बोलते बच्चे तो बच्चे, सरों को भी यूनिफॉर्म में बुला रहे हो आजकल, ऑडिशन भी सरों का यूनिफॉर्म में लिया। ऑडिशन भी यूनिफॉर्म में? कैसा हुआ था वो? उतना होने के बाद भी क्या हुआ, कुछ बच्चों को सेलेक्ट करे, कुछ बच्चों को नहीं सेलेक्ट करे। अरे रे रे, तो वो बच्चे क्या करें अपने पास पीछे आगे बोले हमको भी करने का था, नहीं करने दे रहे सर, कैसा करना तुम कुछ भी, हम आपको तुम्हारे नाम पे चला दो पैसा भी, तो चला लेंगे अपन यहाँ पे, और बुला लेंगे आप अजीज गवेले पूरे, क्या कर सकते, चलाओ रे। ये जो आ रहा ना, हाँ कौन है भैया? ये सिविल का थर्ड ईयर का बम्बार्ड मॉडल है, और पूरे सिविल में खाली वो अकेला ही मॉडल है, हीरो है, हीरो। अच्छा और कौन देश के अंदर? उसके बाद आ रहे देख यप्पू आए। यप्पू ये कहाँ के है भाई, कौन है? इनो एक डिपार्टमेंट में है, इनो फॉरेन से PhD करके आए वाले। ओहो इनोवेटिव डिपार्टमेंट का आदमी है ये, ट्रॉनिक्स के है। समझ गया, देख के बोले तू। अच्छा और कौन थे? अब ये आ रहे देख अपने CSC के अजुम जोर। अच्छा गैदरिंग ऑर्गेनाइजर है। आप देख कैसे जबराट है इन्होंने, देख जबरदस्त है। आप करने भी नहीं देते। ये कौन आ गया? ये जो है सो फैशन शो का ऑर्गेनाइजर, इन्हें बोला भैया पूरी मेहनत मैं करा सर, मेरे को नहीं चलने दिए। बोलते बोला आजा तू भी यहाँ चल ले, तेरे लिए दिल के अरमान निकाल ले। बोलिए बोला आओ दिख रहा देख, चल चल बस वो देर होगा, चल थोड़ा बोले तो ज्यादा नहीं करना मैं। चलो भैया ये कौन आ रहा एकदम टिपिकल दिख रहा है, इन्हें कौन है कि जब से पीछे आ खड़े रहा, मैं भी चलता हूँ उनको चला देंगे। अरे 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 रुक, अरे अरे गजनी है क्या? अरे वहाँ का चल बाहर चल, थोड़ा उंगली पकड़ नहीं देगी, पहुँचा पकड़े, चल बाहर चल बाहर जा चल।
अच्छा अब कौन आ रही है, कौन आ रही? अभी बोलने की जरूरत नहीं, ऑडियंस समझ जाए। बड़े सर हैं वो, अटेंडेंस लेते फिर कभी। मगर इनकी एक खास बात बोलूं। क्या खास बात होगी? पिछले साल यू नो फील्ड अंपायर थे, ये साल फोर्थ अंपायर बन गए। ऐसा कैसा है भाई? अब वो ऐसा कैसा बोलते हो, मैं क्या बोलूँ, रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है, बस बड़े भाई चलो। अब नहीं देखना चाह रहे लोग आपको तो मैं क्या करूँ, जबरदस्ती ठहरते क्या? अरे ये कौन आ गए ऊपर स्टेज पे? सीएस देखा, इनका इंटरटेनमेंट देखा, गैदरिंग का इंटरटेनमेंट इसको बोलते। आओ ये कौन आ गए? जरा ऊपर करो जी भाई, जरा रुको आप। और ये जो पीएचडी है ना, आओ, ये खास अपने एक सिविल डिपार्टमेंट के सर है, परसों चुनो पीएचडी पास हुए, जरा तालियां बजा मैं उनके वास्ते। अब बस क्या ले जाके देते क्या उनको पीएचडी होगी बोली छोड़। जानते हैं सब तुम्हारी मजाक मस्तियां सब हो गए, तुमको जरा सीखा सुधारना पड़ता पूरा। परसों फीडबैक दिए थे तुम, आपको फीडबैक फॉर्म भरने के वास्ते क्या लिखे उसके अंदर? पूरे सरों के ऊपर गंदे बातें, गलत बातें, गालियां, ये वो सब लिख डाली। अरे पिता भी बोले तो माँ बाप के जैसे रहते पारे अपने टीचर। अब इनको कितने बार समझा, हमारे जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये बड़े मैडम की खास बात है, उन्होंने तुम्हारा को इतनी इज्जत दे रहे कि तुम्हारे से कुछ फीडबैक भरा के ले रहे, उसका क्या मीनिंग रहता? फीडबैक बोल दो, आप क्या चाहते कॉलेज में, क्या इम्प्रूवमेंट होना वो पूछते। अब तुम उनके ऊपर गलीज बात लिख के दिखेंगे तो ये आगे बात हुई। और ये सरों को मैडमों को कुछ बोलने से पहले जरा अम्मा बाबा का ख्याल कर लेते जाओ जी। सही बात, सरा मैडमों का मर्तबा माँ बाप का मर्तबा रहता, सरों मैडमों को कुछ भी बोले तो माँ बाप को लगे ऐसा रहता पूरा। फिर नहीं तो क्या है, अगली बार अगर फीडबैक आया तो दो चीजें करना। क्या करना? एक तो अच्छे से लिखना, नहीं तो अब्सेंट रहना। समझ गया ना? हाँ तू बहुत करा दे। हेलो फरा है? अरे सुधरता नहीं सुधरता आप तो भी। हम नहीं सुधरे। बस होगा, बस का।